किरण जया तेरी किस्मत किस ओर लाग रही है, देख तेरी हीर आज किसी और की ओर लाग रही है। किरण जी तेरी किस्मत आज कित सोन लाग रही है, देख तेरी हीर आज किसी और की ओर लाग रही है। यार बात सुन ले, बात सुन ले, मेरे हिस्से का प्यार किसे तो नहीं करेगा और ध्यान रखेगा अपना, कुछ खा पी का नहीं मरेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुमित कुमार आपसे बीका देसी भाईचारा न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम बहुत ही मशहूर शायर ज्योति खन्ना जी से, और आज हमारे साथ मौजूद है ज्योति खन्ना जी। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार जी। आपका हमारे छोटे ही चैनल देसी भाईचारा न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, देसी भाईचारा न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, और इतनी दूर से इंटरव्यू लेने आए मुझे इस लायक समझा उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जी। ज्योति जी इंटरव्यू शुरू करने से पहले बढ़िया सी शायरी, मैं थोड़ी सी है ना फनी शायरी भी लिखती हूँ और सैड भी लिखती हूँ, सारी ही लिखती हूँ। तो एक पहले चली थी, सैड है वो सुनाऊंगी। बोला कि दुख की कीमत बता दे, मखा घनी सस्ती बतावे है। एक बोला कि दुख की कीमत बता दे, मखा घनी सस्ती बतावे है। बोला खरीदी है के मखा ना बावड़े, दुख तो लोग फ्री में दे जावे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ज्योति जी हम अब इंटरव्यू की शुरुआत करा हाँ, सबसे पहले ज्योति जी हम जानना चाहेंगे कि आपने लिखने की शुरुआत कब तक करी। लिखने की शुरुआत तो जी मैंने इंस्टा पे रील देखी थी और यूट्यूब पे देखी थी, विक्की एंटरटेनमेंट की वीडियो आ रही थी सभी, ये प्रियंका होगी जैसे कि दीपक गुलिया हो गए, कमल गोच्छी हो गए जैसे, इनकी वीडियो देखी तो मुझे देखने के बाद ये हुआ कि मुझे भी लिखना चाहिए। और ये शौक तो थोड़ा सा मतलब बोलने का शौक तो पहले से था पर लिखा कभी नहीं थी, तो कुछ दिन से ही लिखने की शुरुआत की। मान लिया आपने सारी लिखनी भी शुरू भी कर दी, फिर आपने वो भी तो सोचा होगा मैं इसकी कला कहाँ दिखा सकती हूँ, विक्की एंटरटेनमेंट तक आप पहुँचे, किस तरीके से पहुँचे, आपने किस तरह बात करी वहाँ तक पहुँचने के लिए? डायरेक्ट कॉल की थी विक्की के पास कि भाई शो कब होते, उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर बहुत वेट किया था, बहुत वेट के बाद मैं शो में आई थी और बहुत अच्छा लगा था। अच्छा जी, माले जो शुरू में आपने परफॉर्मेंस दी, आपने क्या महसूस होया, आपका मन में डर था या क्या कुछ था? देखो कोई भी हम शुरुआत में कुछ भी करते हैं और सामने फिर बहुत सारे लोग भी बैठे होते हैं तो थोड़ा सा डर तो होता ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था बिल्कुल ही, तो थोड़ा बहुत था उस चीज़, वो चीज़ थी, घबराहट थी थोड़ी सी, बाकी सेकंड टाइम में बहुत अच्छा हो गया था। ज्योति जी आपने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी, फर्स्ट वीडियो करी, आपने लोगों का कितना साथ मिला? वो शुरुआत था जी, लोगों ने उस टाइम से जानना, एक दो वीडियो शायरी थी उनमें से थोड़ी अच्छी गई थी, क्योंकि जब भी कोई कैमरे पे कोई नया बंदा आता तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा थोड़ा जानने लगी। आपने फर्स्ट वीडियो करी, आपने रिकॉर्ड करी विक्की एंटरटेनमेंट पर जाकर, आपकी उस तरह बहुत अच्छी वीडियो थी, लेकिन ऐसा होया कि वह वीडियो चल नहीं आपकी? नहीं नहीं, वो तो मुझे भी हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ी सी घबरा रही थी, तो इतना फर्स्ट टाइम में तो इतना नहीं हुआ था, बाकी उसके बाद अच्छी चली है वीडियो। ज्योति जो आपने नाम और एक फेम मिला वो किस शायरी तक मिला? ये जी एक दो शायरी तो मेरी चली थी अच्छी, एक था ड्यूट था मेरा और विक्की नायक का, अच्छा। ही रंजा पे लिखा था हमने, अच्छा। तो वो बहुत अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा चला वो बहुत, उसी से ज़्यादा वो मिला मेरे को, पहचान मिलने स्टार्ट हुई है वहाँ से, फिर उसके बाद मेरी शायरी खुद की शायरी भी चढ़ने लगी। वही रंजा वाली आप एक सुना सको हमारे दर्शक ही? जी बिल्कुल जी, सुनाइए। वो फर्स्ट ऐसे थी मतलब हीर कहती है, किरण जया तेरी किस्मत किस ओर लाग रही है, देख तेरी हीर आज किसी और की ओर लाग रही है। किरण जया तेरी किस्मत आज किस ओर लाग रही है, देख तेरी हीर आज किसी और की ओर लाग रही है। यार बात सुन ले, बात सुन ले, मेरे हिस्से का प्यार किसे तो नहीं करेगा और ध्यान रखेगा अपना, कुछ खा पी का नहीं मरेगा। वाह जी मस्त, धन्यवाद जी। क्या आप विक्की नायक वाली लाइन भी आप गा सकते हो क्या? विक्की की लाइन तो थी पर वो अच्छी से याद नहीं है। चलो कोई नहीं, चलो ज्योति जी अब हम बात करेंगे, आपने शुरुआत भी कर दी, लिखना भी शुरू कर दिया, विक्की एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर भी गए, लेकिन घर क्या की तरफ तो आपने की रिस्पांस मिला? घर वालों की तरफ तो जी अच्छा मिल रहा है स्टार्टिंग से ही, मतलब मैंने जब लिखना भी शुरू किया था तो घर पे बड़ी बहन है दो मेरी, तो उनको भी बताया, भाई हैं छोटे उनको भी, तो वो तो सारे साथ है, बस एक दिक्कत है थोड़ी सी, पापा इस चीज़ को ठीक नहीं मानते, अच्छा। और पापा को आज तक पता भी नहीं है कि मैं शायरी करती हूँ, अच्छा जी, अच्छा। हाँ उनको मैं लिखना शुरू ही किया था तो उस टाइम पता चल गया ना, तो गुस्सा हुए थे थोड़ा सा कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है लड़कियों के लिए, तो कुछ और कर ले, तो मैं आज तक पापा के सामने लिखती नहीं हूँ, छुप के लिखती हूँ। और घर वालों की तरफ से फुल सपोर्ट आपको? हाँ और सबको पता है, मम्मी को पता है, भाई बहन सबको पता है,
और थोड़ा बहुत तो ये तो है ही कि रिश्तेदार तो थोड़ा सा करते ही कि ये ठीक नहीं है शायद, इसको लड़की के लिए ठीक नहीं मानते। जी वो बात है, करना तो देखो अपन है, अच्छा करो, लेकिन अच्छा करने में कोई शर्म भी नहीं आनी चाहिए और घर कहना तो सपोर्ट करना भी चाहिए। घर वाले तो सब साथ में, बस पापा को भी ये है कि भाई कुछ जब तक कुछ बन नहीं जाते तो पापा को पता ही ना चले। देखो ज्योति जी पहले तो आकर दाइस लाइन ने थोड़ा गलत समझा कर दे, लेकिन ई फिलहाल जो आप देखने लग रहे हैं अपने हाल में, लेकिन इसी कोई बात नहीं जो लोग का दिमाग में है, अब मानो नहीं इस बात में। अब देखो बहुत से अध से ज्यादा आप देखोगे ना इंस्टा पे भी शायर ही है, हर घर में एक दो शायर मिलेगा आपको, हर घर में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो शायरी नहीं करता, कोई खुद की कर रहा है कोई दूसरों ही कर रहा है, तो मतलब एक ट्रेंड चला हुआ है शायरी का आज के टाइम पे, कुछ लोग हैं जो ठीक नहीं मानते इसको। ज्योति जी हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं आपका गांव का बारे में, आपका गांव है, आप कहाँ के रहने वाले? जी मैं प्रॉपर रोहतक से ही हूँ, प्रॉपर रोहतक की रहने वाली हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। तो ज्योति जी मैं आपसे बात करूँगा कि आजकल आपन घटित हो रहा है, देखो फिलहाल मोदी जी ने एक कानून बनाया है, पहले लड़की की उम्र 18 वर्ष थी जो कि बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी, आप इसने किस नज़र से देखो, आप एक शायर होने का नाते ठीक है हमारी वजह से। तो पहले क्या था कि मैं तो ये मानती हूँ कि लड़की की शादी जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़की के लिए ठीक नहीं होता जब तक उसको अच्छे से मतलब समझ नहीं हो जाती हर चीज़ की। अब जो किया है ये काफ़ी अच्छा है, ठीक लगा हमें। ज्योति जी मान लो आपने जब आपकी वायरल हुई कोई भी वीडियो, आपने किसे कहा, फेसबुक स्टेटस देखा हो, इंस्टाग्राम स्टेटस देखा, आपने क्या सोचा, कितना खुशी महसूस करी आपने? जब ये रंजा वाला आया था हमारा ड्यूट, तो मतलब काफ़ी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लगा था, वहाँ से ही मेरे पास कईयों के फ़ोन भी आए कि ज्योति तेरी वीडियो है, एक मामा का लड़का है उसका भी फ़ोन आया कि ज्योति तू तो फेमस होगी, मुझे खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि हाँ वीडियो चढ़ गई मेरी। चलो मैं ज्योति जी आपने बात बता दूँ, मैंने ये स्टेटस पर लगाई थी आपकी वीडियो, फिर बाद में मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखी, आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई ज्योति जी का अपना इंटरव्यू लिया जावे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इस लायक समझा मुझे, इतनी दूर से आप आए हो, बहुत बहुत नहीं, मोस्ट वेलकम जी। अपना देखो काम है, कोई भी अपने कोई अच्छा काम कर रहा है उसने हौसला देना भी काम है। और ज्योति जी आप, मैं अपने आपसे पूछना चाहूँगा हरियाणा में ऐसा कौन सा बेस्ट सिंगर लगा आपने, सबसे बेस्ट सिंगर हरियाणा आपका फेवरेट, मेल या फीमेल? मेल में बताओ पहले। फीमेल में तो मुझे सबसे अच्छी वैसे तो आज मुझे राज मावर है जो, अच्छा उनकी लगती है। और फीमेल में बात करें तो? फीमेल में मेरी सबसे बेस्ट मेरे को रुचिका लगती है, रुचिका जांगिड। अच्छा, कभी मिले हो रुचिका जी से? नहीं कभी नहीं मिले। और राज मावर जी से? नहीं कभी नहीं मिले, बस सॉन्ग सुने हैं हरियाणवी तो। अच्छा, देखो आप अपनी हरियाणवी है जी बहुत, मैं शौक से इतने मैं हिंदी नहीं सुनूंगी जितने मैं हरियाणवी सुनती हूँ। अच्छा अच्छा जी, आप के मानो हमारे कोई भी नई लड़की इस लाइन माना चाहो है या वो किस तरीका आ सका है, उसने कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? कठिनाई तो ये है देखो जी, पहले तो अपने घर पे बात करो, अगर कोई भी मेरे जैसी मेरी बहन अगर ये चीज़ करना चाहती है, अपना टैलेंट दिखाने में कोई बुराई नहीं है, अगर कुछ टैलेंट है तो उसको बाहर निकालो, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर घर वालों का भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूरी है, घर में कोई एक दो बंदा तो ऐसा हो जो साथ हो, ये ना हो कि बिल्कुल सारे ही खिलाफ हैं तो ये गलत है। और घर वालों से भी ये उम्मीद है कि भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, साथ दो उसको अगर वो कुछ करना चाह रहा है तो। मान लिया आप ज़्यादातर सैड शायरी लिखो, क्या कारण है जी सैड शायरी लिखने का? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं सैड लिखती हूँ, मैं फ़नी शायरी भी लिखती हूँ, मैं सैड भी लिखती हूँ, मैं हर तरीके की लिख लेती हूँ। अच्छा, मान ली कई जी ये ना सोचा है, मान ली कोई सैड शायरी करने लग जा, पता नहीं भाई इतनी सैड क्यों रहा, इतना सैड क्यों रहा है इसके बारे में? देखो ऐसा तो कुछ नहीं होता, और वैसे मतलब ये है कि भाई आज के टाइम पे प्यार व्यार तो सब न हो जाए, किसने नहीं होता, और इसका कारण यही नहीं होता कि सैड शायरी लिख रहे हैं तो कि हम दुखी हैं अंदर से, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम बाहर के माहौल को देखते हैं, हम तो उसी पे शायरी लिखने की ये सोचते हैं कि क्यों ना इस पे लिखा जाए, बिल्कुल बस यही कारण है और कुछ नहीं है, धोखा धाखा तो कुछ नहीं मिला जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी कई सारी मजी जिक्र आवा दिल्ली का छोरा का, तो हमारे दर्शक भी जाना चाह भी ज्योति मिलो तो भाई आज बात जरूर पूछ के आइयो। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, बस ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गई थी, दिल्ली का लड़का और हरियाणा की छोरी होती है जो, मतलब कॉम्बिनेशन सा अच्छा बना है। अच्छा, अच्छा। इनका बस इसीलिए, और कोई टारगेट नहीं है किसी को, कोई भी प्लीज बुरा मत माने इस चीज के लिए। अच्छा।
अरे एक और आपके हाल में एक है बहुत फेमस और वायरल हुई है जिसकी शायद बात ही कुछ फौजियर पुलिस वाले वह एक बात हमारे दर्शक तो सुना दो। अच्छा वाह जी। हाँ जी वहाँ छक्कर रिश्ते आवे हैं और ब्याह ब्याह की रटना ला रहे हैं घर वाले पर वो न कौन बतावे मने दोए पसंद है एक फौजी और एक पुलिस वाले। वाह जी वाह कमाल है ये फौजी और पुलिस वाला के कॉम्बिनेशन बैठाया जाए अपने फौजी भी कह दिए और पुलिस वाले भी कह दिए। फौजी और पुलिस वाले बस ऐसे ही अच्छे लगते हैं फिट होते हैं थोड़ा सा अच्छे लगते हैं और ज्यादा कुछ ये नहीं है। अच्छा ये सारी सुनोगे किसी फौजी और पुलिस वाले रिश्ते रास्ते तो घर नहीं आने लगे जी। रिश्ते तो नहीं बाकी मैसेज जरूर आए हैं इंस्टा पे रिक्वेस्ट आई है कि भाई फौजी होंगे पुलिस वाले होंगे उनके के भाई पर ऐसा कुछ नहीं है ये तो फनी शायरी थी बस ऐसे ही बना दी थी। अच्छा जी ज्योति जी आजकल देखो ये तो ट्रेंड बना हुआ है भाई प्यार कर लिया फिर उसने धोखा मिल गया कोई हाथ काट लिया उसके चक्कर में कोई कुछ कर रहा है कोई भाई ये कितना बहुत आप समझ सको आप इसके बारे में आप दो लाइन हमारे दर्शक है और आपके दर्शक तो क्या कहना चाहोगे। प्यार व्यार का तो ये कहना चाहूँगी देखो प्यार व्यार अगर कोई बच सके जितना हो सके तो बच लो। अच्छा। प्यार व्यार कुछ नहीं है आज के टाइम पर सब एक मजाक है। हाँ। मतलब ये नहीं है कि लड़की गलत है या लड़का गलत है दोनों ही ऐसे हो रहे हैं। बिल्कुल दोनों ही एक दूसरे को मजाक समझते हैं बस कुछ टाइम के लिए टाइम पास किया प्यार व्यार कुछ नहीं है भाई मैं तो यही कहूँगी जितना हो सके बचो और ना किसी के लिए रो ना अपने हाथ काटो ना मरो किसी के लिए कुछ मत करो क्योंकि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप रो रहे हो उसके पीछे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बस अपनी लाइफ जियो एंजॉय करो। यह बात सच्ची कही भाई ज्योति जी ने किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन किसी चक्कर में इतना नाक डूबो भाई। हाँ वह बात आप रो ही जाओ कुछ भी कर लो लेकिन अगला ना कोई और मिल जाए कोई ब्याह कर लेगा नहीं अगले और मिल जाए इसका मतलब भाई आप समझ जाओ। ज्योति जी एक और बात है एक छोटा मैं हर एक तब पूछ जा करो सवाल चाहे कोई राजनेता हो चाहे कोई पत्रकार हो किसी का भी इंटरव्यू मेरा एक प्रश्न रहा है देखो आजकल आप देखो आपका गांव में भी शहर में भी छोटे छोटे बच्चे दारू सिगरेट पीने लग रहे फिलहाल तो आप सरकार जो इस तरफ कोई ध्यान दे नहीं रही आपके बारे में आप उनको क्या कहना चाहोगे जो इस छोटी सी उम्र में अपनी उम्र में नशे के लत में घेर रहे हैं। जो भी मतलब बच्चे हैं और आजकल मैं देख रही हूँ कि मतलब ना छोटे छोटे बिल्कुल ही 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हो गए ना वो ओके के पास जा रहे हैं कि ओका तो उन्होंने ऐसा मान लिया कि पता नहीं क्या चीज़ है ओका तो ये है ना पहले बड़े बूढ़ों के लिए होया करता भाई बड़े बूढ़े बैठ के ओका पिया करते आजकल तो ये है ना मतलब पागल से हो गए ओके के पीछे ये चीज़ गलत है तो पहले सबसे पहले तो ना घर वालों को ध्यान देना चाहिए बच्चों की। भाई जी एक बात बता दें हम ओके विरोध नहीं करें लेकिन एक बात है देखो ओका पिया करते बड़े बूढ़े बैठ के पिया करते लेकिन आजकल कोई बूढ़ा भी पीता हो ना बुढ़ा तो बाद में पीवेगा पहले छोटे बच्चे हैं लेकिन वो ओके के पीछे या भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए कोई बुढ़ा बैठे हो आपस में मौका पींदे भाई बालक ने बीच में नहीं आना चाहिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखो। हाँ ज्योति जी को एक आधी तड़क दे भड़क दे सारी आने दो कई देर हो गया बोर हो गए होंगे दर्शक भी। जरूर जी जरूर सुनाएंगे तो शायरी सुनियो अभी आई थी सैड सुनाओ या फनी सुनाओ पहले फनी सुना दे फिर सैड सुना दे पहले। एक मैंने एक शायरी लिखी थी वो मैंने ना किसी और के लिए लिखी थी। अच्छा। मेरी वीडियो पे जैसे बहुत सी लेडीज है मैरिड है वो वीडियो बनाती हैं तो उनके लिए लिखी थी और कुछ लोग समझते हैं कि वो मैंने अपने लिए लिखी थी तो वो सुनाना चाहूंगी मैं शायरी कि जिस दिन ते आई ब्याह इश्क है मेरा कति भाग जाग रहा है कि जिस दिन ते आई ब्याह इश्क है मेरा कति भाग जाग रहा है और सारी बातों का तोड़ बताऊं मेरे घर वाला सरकारी लाग रहा है। वाह जी वाह कमाल कर दिया जी। ज्योति जी कभी आपके पास में ऐसा होया है मान लिया आप शायरी लिखो तो किसी दूसरा खातर लोग तो आप सोच ज्योति ने खुद पे लिखी है कोई ऐसा होया कोई और लिखवा लेता हूँ आप पे। नहीं नहीं मैं ऐसे खुद ही लिख लेती हूँ कि भाई इसके ऊपर लिखना चाहिए जरूरी नहीं कि सारी शायरी मेरे ऊपर या कुछ जैसे भाई बहन के ऊपर भी लिख देते हैं मम्मी के लिए लिख देते हैं तो वैसे ही एक बहुत सारी हैं मेरी बहनें जो मैरिड हैं वो वीडियो मेरी वीडियो पर रील बनाती हैं तो उनके लिए ही कुछ शायरी में लिख लेती हूँ अच्छा लगता है। तो जी एक आपकी ट्वीट शायरी थी विक्की नायक वाली जी विक्की नायक के साथ में थी रंजाड़ी तो आप विक्की जी तक किस तरीके से मिले और आपने जो ट्वीट करी है आपकी वहाँ बहुत चल रही भी जी बहुत फेमस रही वीडियो वहाँ जिस तरह ज़्यादातर आपने पहचान भी मिली उस वीडियो तक। मेरा विक्की वाले शो पे पहला ही शो था तो पहला शो किया मैंने। हेलो गाइज आप सब कैसे हो आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे खुश होंगे और जैसा कि आपने अभी हमारी वीडियो में हरियाणवी की मशहूर शायर ज्योति खन्ना जी का इंटरव्यू देखा और आप सभी कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ कि आपने ज्योति खन्ना का इंटरव्यू कैसे लगा और इनकी शायरी आपको कैसे लगती है। और बात करते हम ज्योति सार के बारे में
जो 30 सालों तक से बिलोंग करते हैं और एक बहुत अच्छी शायर है। इसकी बहुत सारी शायरी वायरल भी हुई है, जैसे रांझा की, फौजी पुलिस वाले की, बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे कि यूट्यूब पे इनकी वीडियो भी है और हमारे इंटरव्यू में भी ने बताया है कि कौन कौन सी इनकी फेमस वायरल शायरी है। तो ऐसे ही हम कलाकारों को सपोर्ट करते रहेंगे और भाई आप भी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल ने सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहो, ताकि हम भी नए नए बढ़िया बढ़िया कलाकारों का इंटरव्यू आप तक पहुँचाते रहूँ। तो के कण है जो तिरुत्ते के बारे में आप ज़रूर बताइए कमेंट करके ना, और अगला इंटरव्यू आप किसका देखना पसंद करोगे वो भी कमेंट करके बताइए। और बहुत बहुत अच्छी शायरी बनावा है, लिखा है विक्की एंटरटेनमेंट में, 2016 में भी है रोहतक।